वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज का दिन जो है बिल्कुल सकारात्मक रहा है, पॉजिटिव रहा है। सुबह भी हमारे कुछ मित्र जो है मुलाकात किए उनसे, वो भी बता रहे हैं कि उम्मीदें कायम हैं, सरकार जो है पॉजिटिव है इस दिशा में। शाम को जब हम लोग करीब दोपहर बाद 3 बजे करीब जब पहुँचे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे, तो वहाँ हम लोगों ने मुलाकात की। ज्ञापन देखते ही केशव जी भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये 25 बार आप लोग कम से कम हमसे इसी चीज़ के लिए मिल चुके हैं, मैं बार बार आपको आश्वासन दिया हूँ कि मैं इसको देख रहा हूँ, अब मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं इसको कर दूँ, तो जाइए, अब मैं इसको नहीं करूँगा, ये उन्होंने कहा। तो हम लोगों ने तुरंत स्थिति को भांप ली, उनको नॉर्मल करने की कोशिश की। हमने कहा कि सर, आप ही हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं, हम आप ही को जानते हैं, हम इलाहाबादी जब भी किसी समस्या में पड़े हैं हम आपके पास दौड़े हुए आए हैं और आपने उसको सुना है। ये समस्या भी हम लोग के साथ है, आप देख ही रहे हैं लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पिछले 10 सालों से सब कुछ जग जाहिर है, उसी में हम लोग सर पीस चुके हैं। हम लोग को 2 अटेम्प्ट और चाहिए और वो आप दे सकते हैं। केशव जी ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है भाई, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, केवल हमारे हाथ में नहीं है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हमने कहा कि सर, आप ईमानदारी पूर्वक कहिए कि क्या आप अगर चाहेंगे तो ये संभव नहीं है, क्या यह आपके बस में नहीं है? अगर आप चाह लें कि हम लोग को 2 अटेम्प्ट दिलवाना है तो क्या आप नहीं दिलवा सकते हैं? इस पे वो शांत हो गए। इसी बीच समय समाप्त हो गया, कई लोगों को मिलना था, गार्ड जो है हम लोग को बाहर करने लगा। तो फिर बाहर जाते समय हमने जाते हुए भी ये पूछा कि सर, क्या हम लोग को चांस मिल जाएगा, हो जाएगा ये? तो वो बोले कि हाँ हो जाएगा, यही कह के फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। तो ये बात हुई है दोस्तों, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अगर 3-4 दिनों के अंदर जियो नहीं आता है, पेपर में ये नहीं आता है कि हम लोग को चांस मिल गया है, सरकार अगर इस चीज़ को पारित नहीं करती है, तो हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिल लें। अपॉइंटमेंट लेने की बात वहाँ चल रही है, लड़के प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग मुख्यमंत्री जी के अलावा फिर केशव जी से मिलेंगे। नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, तभी भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग इसको लेकर रहेंगे। तो सब कुछ अभी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जब तक ये जियो आ न जाए, जब तक पेपर में बकायदे ये आ न जाए कि 2 अटेम्प्ट अतिरिक्त अटेम्प्ट इनको दिया जाता है सिलेबस चेंज के एवज में या जो भी हो, तो तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल सकारात्मक रहिए। थोड़ी सी समस्या इसीलिए आई है दोस्तों क्योंकि हमारे में एकता का अभाव है, हम लोग परीक्षार्थियों में बिल्कुल एकता नहीं है। उसी का फ़ायदा जो है लोक सेवा आयोग भी उठा रहा है और उसी का फ़ायदा जो है सरकार भी ले रही है, हम लोग को समझ रही है कि ये सब एक मत नहीं है, एक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है, नहीं तो ये बहुत पहले ही हो जाना था। खैर कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, अभी भी समय है, थोड़ी सी एकता दिखाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।